तो यहाँ पर हमें दिख चुका है एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा स्टॉल जहाँ पर ये प्यारी प्यारी डॉल्स रखी हुई हैं। तो जानते हैं आपसे कि क्या आप कैसे ये डॉल्स वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले मेरा नाम रंजना गुप्ता है और हम कानपुर से आए हुए हैं और ये मेरे पापा हैं। ये डॉल्स हम लोग, मेरी फैमिली, मम्मी पापा, मैं और मेरी सिस्टर मिलकर बनाते हैं। और ये जो डॉल है, सबसे इसमें ये चीज़ है, इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है। ये जो डॉल है लकड़ी के बेस पे लोहे के तार जूट से मिलकर बनी हुई है और ये टूटती भी नहीं और देखने में बिल्कुल रियल लगती है। और इसमें इंडिया का कल्चर ही दिखाया गया है। ये डॉल्स मूवेबल है क्या, इनसे बच्चे अगर घर लेके जाएं तो खेल सकते हैं? जी जी बिल्कुल खेल सकते हैं और इसमें टूटने का डर भी नहीं है। इसका केवल हैंड मूव होता है बस, और देखने में बिल्कुल ओरिजिनल जैसी है। जैसे आप लोग साड़ी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, देखिए बिल्कुल आगे पीछे से देखने में एकदम ओरिजिनल। तो इनके स्टॉल पर ज़रूर आए, इंडिया को रिप्रेजेंट करती, इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हुई ये खूबसूरत डॉल्स लेने के लिए। आपका स्टॉल नंबर जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा स्टॉल नंबर 177 है, श्री कृष्ण गुप्ता के नाम से है, उत्तर प्रदेश की स्टॉल है। प्लीज़ आप लोग हमारे स्टॉल पर ज़रूर आइए और हमारे इस कला को प्रोत्साहन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।